गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। और अभी मैं जा रही हूँ हमारे खेतों की तरफ। मैं बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ अपने खेतों की तरफ और शायद संतरे भी तोड़ के लाए हम लोग। और अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं, मम्मी, दीदी का बेटा है शिवानी और संजू, हम सारे जा रहे हैं। और मैं बहुत सालों के बाद आई हूँ इस तरफ। मैंने अपनी पानी की बोतल भी ले ली, अगर मुझे प्यास लगे तो मैं पानी पी सकूं। और आप सभी को मैं दिखाऊंगी अपने खेत, बगीचा वगैरह। पहले मेरा मन नहीं था बट बाद में मन बन गया। मैंने सोचा चलो व्लॉग शूट कर लेती हूं और आप लोग को भी दिखा देती हूं। और बहुत दूर है, अभी बहुत पैदल चल के जाना पड़ेगा। आते टाइम तो बैंड बजेगी क्योंकि चढ़ाई चढ़नी है। ये सारा जो है बिल्कुल मतलब चढ़ाई के ऊपर से आ रही हूँ अभी। मैं आप लोग को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो गाइज ये देखिए, ये रास्ता है और सामने मेरी मम्मी है और दीदी का बेटा है। और शायद आपको रेल की पटरियां भी दिख रही होंगी, पर हमारे यहाँ आसपास स्टेशन नहीं है। अगर हमारे इस एरिया में इस तरफ स्टेशन बन जाए तो हमें जो है रेलवे स्टेशन बहुत पास में पड़ेगा। बट फ़िलहाल तो पटरियां या ट्रेन जाती है इधर से, पर कोई स्टेशन नहीं है। स्टेशन है, थोड़ा दूर है। तो चलो अभी चलते हैं फटाफट से, सीधे खेतों में पहुँच के आप लोगों से बात करती हूँ मैं। सारा रास्ता जो अभी ऐसे और जाते टाइम भी, मैं घर जाते टाइम भी आपको दिखाऊंगी कि कैसा आता है। ऐसा कुछ एरिया है, अभी तो धूप निकली, आते टाइम ठंड हो जाएगी, इसलिए मैं भी जो हूँ अपने स्वेटर वगैरह डाल के आई थी, कैप वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और इस तरफ सारा जंगल है, ये नीचे और भी लोगों की ज़मीनें हैं, खेत हैं। तो मैं सारा दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो पटरी तो है, पर स्टेशन भी यहीं के आसपास बन जाए तो हमें बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि स्टेशन के लिए हमें दूसरी तरफ, इस तरफ स्टेशन है बहुत दूर आगे जाके, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए भी अगर कहीं आना जाना हो जैसे। तो पास में ही थोड़ा सा उतर के इस तरफ से मैं आई हूँ तो हो जाएगा। और हिमाचल का तो सारा एरिया ऐसा ही होता है। ये सामने पहाड़ भी दिख रहे हैं और अभी मैं आपको बगीचे में भी लेके जाऊँगी, क्योंकि लोकल चलती है जो कांगड़ा वैली है, वो ट्रेन चलती है यहाँ पर, तो ईजी हो जाता है। ये देखिए, ये सामने लोगों के खेत हैं। अभी जल्दी से शाम भी हो जाएगी, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो पहले फटाफट से नीचे ही चलते हैं। और वो देखिए शिवानी और संजू आ रही हैं सामने से। इस तरफ भी लोगों के घर हैं, उनको तो बहुत दूर पड़ती है मार्केट वगैरह, स्टेशन वगैरह। तो अभी पहले चलते हैं नीचे, चलो जल्दी पहले। ये देखो ये दोनों मेरी बहनें हैं, ये भी है एक। तो अभी हम सब जा रहे हैं, मैं तो संतरों के लिए जा रही हूँ और मैंने सोचा व्लॉग शूट कर लूँगी। बाकी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था इतनी दूर पैदल चल के आने में, क्योंकि अभी तो ठीक है, अभी चढ़ाई उतर रहे हैं मतलब, तब तो ठीक है, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी तब बैंड बजेगी। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर रास्ते में जो भेड़ बकरियाँ हैं वो घास खा रही हैं। ये जो पहाड़ी गद्दी होते हैं, जो ऊपर वाले पहाड़ी इलाके से आते हैं, वो भेड़ बकरियों को निचले एरिया में लेके आते हैं, ताकि क्योंकि जो ऊपर के एरिया होते हैं वहाँ पे बर्फ़ बहुत गिरती है तो उनके पशु बर्फ़ से मर ना जाएं। इस वजह से वो लोग जो है अपने पशुओं को यहाँ निचले एरिया में लेके आते हैं और 2-3 महीने फिर अपने पशुओं के साथ ही यहीं पर रहते हैं। तो इस वजह से जो है वो लोग आए हुए हैं अभी और ये उन्हीं की भेड़ बकरियाँ हैं। देखिए सामने फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे हमारा, और ये मैडम यहाँ पे फोटो शूट करवा रही है अपना। ये देखिए गाइस, यहाँ पे लोगों के बगीचे शुरू हो जाते हैं। पानी बोतल अड़ी है मेरे कन। तो गाइज अभी चारों तरफ देख लो, यहाँ पे सिर्फ आपको संतरे संतरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि संतरों का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा संतरे लगे हुए हैं। और इतने सारे जो लोग अभी आपने देखे वो इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि यहाँ पे मनरेगा का काम चल रहा है। मनरेगा का काम जैसे सड़क वगैरह बन रही है यहाँ पर, तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों काम कर सकते हैं मनरेगा में, तो इसलिए लेडीज़ और जेंट्स इकट्ठे हुए थे। और ये सारा पत्थर वगैरह पड़ा हुआ जो जिससे सड़क,
तो देखो गाइस जितने पत्ते नहीं उससे ज़्यादा तो संतरे लगे हैं, और ये अभी खाली पड़ा है क्योंकि इसमें जो है तुड़ाई हो गई हुई है संतरों की। और अभी सभी जा रहे हैं आगे, तो भी ऑलमोस्ट हम अपने खेतों के पास पहुंच गए हैं और सब लोग जो हैं वो आगे जा चुके हैं। और मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं पीछे रह गई हूँ, और मेरे पीछे डॉगी भी आ रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद आई हूँ मैं यहाँ पे। और ये देखिए ये मेरे पीछे सारे संतरे ही लगे हुए हैं। पहले यहाँ पे पेड़ नहीं थे, ये लोगों ने लगाए, तो ये संतरे लगना शुरू हो गए इन पे भी, क्योंकि संतरे के जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे होते हैं उन पे संतरे लगने शुरू हो जाते हैं। तो अभी आगे का दिखाती हूँ मैं बाकी सब आपको। यहाँ पे मज़े कर रही हैं दोनों, पहिया तो थले लगना पता है ना कि। ये देखो यहाँ पे ये जो पेड़ है इसको बड़ का पेड़ बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग बचपन में बहुत खेला हुआ है कुएं का हमने। देखिए कितना बड़ा पेड़ है। तो ये देखिए इनको शौक आ रहा है कि मैं व्लॉग में लूँ उनको, बिल्कुल। तो मैं भी ट्राई करती हूँ, हाँ बोल दो। ये देखिए गाइस अब दी की बारी है। देखिए देखिए कैसे मजे ले रही हैं अपनी बचपन की यादें। नहीं 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 टूटता है। तो देखिए गाइस ये वो कुआं है जिससे पानी निकाला करते थे। अगर मेरा फ़ोन इसमें गिर जाए तो मेरे फ़ोन का क्या बने। और अभी मस्ती कर रही हैं यहाँ पे दोनों, बाकी बहुत खेले हैं हम लोग, बहुत मेमोरीज है मेरी इस जगह के साथ। यहाँ पे भी देखो फोकस नहीं आ रहा, हाँ यहाँ पे भी देखो सारे जो हैं संतरे ही लगे हुए हैं। ये देखो ये सरसों हैं छोटी छोटी जो आपको दिख रही है, ये वाली जो है ये सरसों है जिसका साग बना के खाते हैं हम लोग, वो लगी हुई है। तो अभी चलते हैं, पहले संतरे तोड़ लेते हैं उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ मैं। और भी लोग बहुत सारी ज़मीन है, इससे आगे भी बहुत लोगों की ज़मीनें हैं, तो पहले अपने एरिए की तरफ चलते हैं। और बोलते हैं यहाँ पे भी मतलब राजा का महल हुआ करता था एक टाइम पे, बट राजा जो थे उनको अपनी बेटी से प्यार हो गया था, तो तहस नहस हो गया था सब कुछ, पता नहीं पुराने बुज़ुर्ग बोलते थे ऐसे, हमें तो पता नहीं। तो अभी चलते हैं, पहले मम्मी पता नहीं खेत में चली गई है और हम लोग बाहर ही मस्ती कर रहे हैं। चलो चलिए अंदर। ये देखिए हमारा कसाई जा रहा है आगे। कसाई अपनी शक्ल दिखाना, हाँ। कहाँ जा रहे हो आप? संतरे लाने। संतरे और घास लाने। अच्छा आपको घास काटनी आती है? करते हैं कोशिश। गाइस अभी ट्रेन भी आ रही है, अगर ट्रेन आती है तो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ कांगड़ा वैली कैसी होती है दिखने में। छोटी सी ट्रेन होती है और हाँ आ तो रही है, तो है? मैं दिखाती हूँ आप लोग को भी। मैंने आपको ट्रेन भी दिखा दी कि कांगड़ा वैली कैसी होती है, वो छोटी सी ट्रेन होती है। और अभी मैं संतरों के बाग में पहुंच चुकी हूँ, तो अभी मैं संतरों के बाग में पहुंच चुकी हूँ, अभी संतरे तोड़ लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारे संतरे हैं, यहाँ पे मैं संतरे तोड़ रही हूँ और बहुत ही अच्छे बड़े बड़े संतरे लग गए। मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ अपने बगीचे में, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। संतरे तक पहुंचा नहीं जा रहा इसे, इधर थोड़ा
तो गाइस संतरे हमने तोड़ लिए, यहाँ पे इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया, मैं भी खाने लगी हूँ और थक गए यार हम लोग संतरे तोड़ तोड़ के, क्योंकि आज कितनी तारीख है, आज 22 दिसंबर है एंड मैंने 2-3 दिन तक चले जाना है अपने ससुराल, तो इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी बोलती संतरे ले आते हैं जाके, तुम्हें जाना है तो तू भी ले जाएगी, तो भी हम लोग घर जा रहे हैं। मम्मा ने गाय के लिए थोड़ी सी घास ही काटनी है यहाँ से, तो वो लेते हुए जाएंगे हम लोग, क्योंकि विलेज में सब लोगों ने गाय रखी होती है, मेरी मम्मी ने भी रखी हुई है, पहले नहीं रखी हुई थी हमने, अभी कुछ टाइम से 1-2 सालों से रखी हुई है। ठीक है, घर का दूध दही सब कुछ घर से हो जाता है, वो मेहनत भी कर लेते हैं सब लोग मिलके, तो हो जाता है मैनेज सब कुछ। एंड अभी मैं चली भी जाऊंगी घर 1-2 दिन तक अपने ससुराल, और ये देखिए यहाँ पर जोरों शोरों से खाया जा रहा है संतरों को, क्योंकि प्यास भी लगी है। वैसे तो मैं पानी की बोतल साथ में लेके आई थी, अभी खाते हैं क्योंकि ये बोल रही बहुत मीठे हैं संतरे, और मैं अपने बगीचे में बहुत टाइम के बाद आई थी। एंड मैं हिमाचल आई थी क्योंकि मेरे पापा की जो हेल्थ कंडीशन सही नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मम्मी ने बोला चलो तूने भी जाना है, तू भी ले जाएगी अपने घर संतरे, क्योंकि यही सीज़न होता है संतरों का, फिर तो आगे संतरे बहुत महंगे मिलते हैं, अभी तो अपने लगे हुए हैं। एंड पापा से मिलने आई थी मैं, क्योंकि मैंने बताया नहीं आप लोगों को कभी भी किसी व्लॉग में, मेरे पापा की जो तबीयत ठीक नहीं है एंड उनका गले का ऑपरेशन भी हो रखा है, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती, बस उनके गले की सर्जरी हुई है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से आई थी मैं पापा से मिलने, क्योंकि उनको बहुत हो रहा था कि मिल जा मेरे से आके, तो मैं आ गई थी। अभी 10-15 दिन मेरे को हो भी गए वहाँ आई को, तो मेरा जाने का टाइम भी आ रहा है, 1-2 दिन बचे हैं यहाँ पे मेरे पास, तो मैं वापस चली जाऊँगी अपने घर, और अभी मेरी सांस फूल जाएगी, फूल नहीं जाएगी, फूल चुकी है क्योंकि चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, और हम लोग अभी घर वापस जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में कहीं से घास भी काट लेंगे, मुझे तो काटनी आती नहीं है, मम्मी को आती है, तो मम्मी काट लेंगे, और संतरे भी हम लोगों ने तोड़ लिए हैं, संजू लेके जा रही है आगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सिर पे उठाया है उसने बोरी को, तो ये यहाँ पे जो है घास कट चुकी है अब हमारी, और वो पे आ चुका सूरज, जो ढलने पे आ चुका है क्योंकि शाम होने वाली है, तो ये यहाँ पे घास कट चुकी है हमारी, घास मम्मी ने काटी है, और संजू शिवानी और आदि वहाँ पे बैठे हुए हैं, और शाम भी अभी होने को आ गई है, ये रास्ते में भी संतरे लगे हैं लोगों के, और दिन ढल जाएगा अभी, जो मतलब सूरज जो है ढल जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पे तो अभी सी लग रहा है कि रात होने लग गई है, क्योंकि छाँव है यहाँ पे, और इधर से हम लोग आए थे और इस तरफ से हम लोगों को घर जाना है, तो बस अभी थोड़ा सा घास मम्मी को और करना है, यहाँ से काटा है थोड़ा सा घास और काटना है, तो उसके बाद हम लोग जो है घर के लिए निकलेंगे, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ जो संतरे हमने तोड़े हैं वो भी दिखाती हूँ मैं आप लोग को। ये हमारे संतरे हैं जो मेरे घर पहुँचेंगे, और कुछ का हम पापा के लिए जूस निकालेंगे, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, इनका तो जूस निकलेगा, और बहुत अच्छे अच्छे संतरे हैं, बाकी कुछ यहाँ लिफाफे में भी हैं, और ये देखिए, तो अभी चलते हैं घर, क्योंकि घास भी कट चुकी है, संतरे भी टूट चुके हैं, और संतरे जो है संजू उठा के जाएगी, करना मैं मेरे बस की तो बात नहीं है, इतनी चढ़ाई चढ़ के मैं संतरे तोड़ने जाऊँ, और ये रहा हमारा आदित्य, हाय बोल दो, हाय। तो अभी चलते हैं, मुझे बोलता है ये, बोलता है मासी जब हम लोग बाहर निकलेंगे कहीं जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि आपका भांजा नहीं आपका भाई है, और मेरे बराबर तो हो ही चुका है, ये मेरे सामने ही पैदा हुआ है, और बचपन में नहीं बिल्कुल भी शरारती नहीं था, रोता भी नहीं था, अब बड़ा होकर बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और अभी संजू जो बोरी उठा के जाएगी संतरों की मज़ा आएगा, शूट करूँगी मैं, तो चलते हैं अभी घर के लिए, फिर आप लोग को रास्ते में मिलते हैं। ये देखिए ये जा रही है संजू संतरे उठा के, कितनी अच्छी लग रही है, ये मेरी सबसे प्यारी बहन है, मेरा काम कर रही है, और ये रास्ता है ऊपर जाने का, और एक बहन आगे चली हुई है लिफाफा उठा के सेल्फियाँ खींचती हुई, और एक बहन बोरी उठा के चली हुई है,
चलो चलते हैं अभी हम भी। तो ऐसे होते हैं पहाड़ी एरियाज में रास्ते, काम करने के तरीके सारा। सामने सूरज जो है, अभी तो धूप निकली है हल्की हल्की, पर सूरज डूब जाएगा थोड़ी देर में। और भी हम चले हुए हैं, गाइज ये देखिए यहाँ पे एक नहर सी बहती है और ऊपर से बादल उड़ रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना ये सब देखने में यार। और ट्रेन जो दोबारा से आ रही है और हम लोग यहीं पे हैं, क्योंकि शिवानी को ट्रेन देखनी है दोबारा से, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। अब इधर से आएगी ट्रेन, और पहले जो ट्रेन थी वो उधर से आई थी, और अभी वो सामने से ट्रेन आ रही है। वो देखिए सामने से ट्रेन आ रही है तो, और ये जो ऊपर से बादल उड़ रहे हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा मन कर रहा है अंधेरा होने तक मैं यहीं पे रुकी रहूँ, इनको देखती रहूँ, क्योंकि ये सब जो नेचर का है ये यहीं पे देखने को मिलेगा मुझे। बाकी शहरों में तो कहाँ देखने को मिलता है ये सब, तो अच्छा लग रहा है देखने में। और आप लोग भी क्लियरली देख पा रहे होंगे कि पहले थोड़े थोड़े बादल थे और अभी एकदम से जो बादल हैं वो कितने ज़्यादा हो गए हैं। मैं जूम करके आप लोग को दिखा रही हूँ, नहीं तो ये देखिए इतनी दूर है मेरे से, और बट इतनी दूर से अच्छे से कैप्चर नहीं होगा, तो मैंने जूम किया हुआ है कैमरे को। और ये देखिए पहले मेरे को लगा था धुआं है, पर ये बादल है और मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से। इतना सुंदर लग रहा है, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, कैमरे में भी इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा, बट रियलिटी में बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी ट्रेन आने वाली है यहाँ से, तो मैं पहले यहाँ से दूसरी तरफ हो जाती हूँ, बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। गाइज ये देखिए ये रास्ता है जहाँ से हम आए थे आते टाइम, और मैंने आप लोग को बोला था कि चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा, तो अब देख लो इसकी हाइट कहाँ जा रही है, आगे आगे बढ़ती जा रही है। और बचपन में जब भी हम लोग जो है आते थे यहाँ से, हमारी बैंड बजती थी, कुछ भी उठाया जाता था, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे उस टाइम हम। फिर कई बार ऐसे होता था हम पानी लेके नहीं आते थे, खेतों में आ जाते थे, और गर्मियों में बहुत बुरे हाल होते थे हमारे। तो अभी बस जल्दी से घर पहुँचते हैं, तो आगे आदि जा रहा है थोड़ी सी घास लेके, और शिवानी ने संतरे उठाए हैं, संजू ने छोड़ दिए हैं, और मैंने भी कुछ संतरे उठाए हुए हैं। एंड अभी मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो संतरे के बगीचे कैसे लगे आपको, हमारी कांगड़ा वैली कैसी लगी बताना मुझे कमेंट करके। एंड अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।